दिल्ली स्कूल की हैप्पीनेस क्लास में पहुंची मेलानिया, छात्रों ने किया शानदार स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप हैप्पीनेस क्लास के एक सत्र में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को दक्षिण दिल्ली के एक सरकारी स्कूल पहुंची। उत्साहित छात्रों ने मेलानिया को माला पहनाकर और उनके माथे पर टीका लगाकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्कूल के छात्र छात्राओं और टीचरों ने मेलानिया का शानदार स्वागत किया गया। मेलानिया के पहुंचने से पहले स्कूल को खास तरीके से सजाया गया। पुलिस की ओर से यहां की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली गई। स्कूल के गेट से लेकर अंदर बाहर सभी जगह साज सजा की गई। स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ साथ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मेलानिया ट्रंप के दौरे के लिए उत्साहित दिखे। स्कूल में उनके स्वागत के लिए बेहद आकर्षक तरीके से इंतजाम किए गए। सोमवार को भी सजावट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाता रहा। नानकपुरा में सर्वोदय को एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों से मेलानिया ट्रंप ने मुलाकात की और उनके साथ समय बिताया। बच्चों से मिलने के बाद मेलानिया ने कहा, नमस्ते, यह बहुत खूबसूरत स्कूल है। पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन के साथ मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। यह भारत की मेरी पहली यात्रा है। यहाँ के लोग बहुत स्वागत करने वाले और दयालु हैं। सरकारी स्कूल के आसपास की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग की गई, जबकि स्कूल के बाहर की बाउंड्री को इस तरह से ढक दिया गया जिससे बाहर से स्कूल के अंदर कुछ भी ना दिखाई दे। बताया जा रहा है कि मेलानिया 2 साल पहले शुरू की गई इस क्लास को जानना और समझना चाहती थी। बच्चों की संख्या, शिक्षकों की संख्या व अन्य जानकारी पहले ही अमेरिकी दूतावास को भेजी जा चुकी थी। दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस की इस क्लास को 2 साल पहले नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए शुरू किया था। इसका मकसद बच्चों के तनाव को कम करना और हंसी खुशी वाले माहौल में पढ़ाई करवाना है। इस कक्षा के बाद लिखित परीक्षा नहीं होती, बल्कि बच्चे का मूल्यांकन हैप्पीनेस इंडेक्स से किया जाता है। इस कक्षा में बच्चों को कहानियों व खेल खेल से सीख दी जाती है।